न्यू ईयर की सुबह हो चुकी है हमारी और ये देखो अभी मैं आपको एक क्लिप मैं डाल दूंगा न्यू ईयर की सुबह कैसी है मसूरी में। और ये देखो सबके तोते उड़े हुए हैं सबके। ये हाँ ये गिफ्ट ले लिए हम लोगों ने। और ये मम्मी के लिए कुछ शॉल वगैरह है, पापा के लिए कैप वगैरह, सब कुछ फिट फोर मामला करके हम लोग अब आज घर जाएंगे। तो भाई सांकरी का सांकरी का ये था हमारा तो भाई सांकरी का हमारा ये था कि हम लोग गए रास्ते में ही थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ से गाइड का मतलब हमने पहले गाइड नहीं किया था बुक, हमने सोचा कि सांकरी जाके गाइड मिल जाएगा पर ऐसा हुआ नहीं। तो हम लोग गए वहाँ पे, वहाँ पे हमने देखा तो भाई 2 तारीख तक सारे बुक थे, जितने भी थे सब बुक थे 2 तारीख तक ट्रैकिंग के लिए, मतलब अलाउड ही नहीं कर रहे थे। कि हमने कहा हम तो वैसे भी 3 जने थे तो हमने बोला था कि भैया कर लो कहीं एडजस्ट, तो कह रहे भैया 3 लोगों का तो मुश्किल ही हो पाएगा। तो वही फिर वो हम लोग आ गए वहाँ से वापस, हमारा बहुत बड़ा खट गया वहाँ पे। परंतु जितना हम लोग गाड़ी में रहे हैं उतने ज़्यादा तो हम रूम में भी नहीं रहे अपने, गाड़ी चलाते जा रहे हैं भाई। वहाँ अब तक यहाँ से दिल्ली से यहाँ तक भाई 800 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है हमारी। क्यों क्यों दत्तो? हज़ार दो हज़ार भाई हो ही जाएगी जाते जाते। और मैं बस ये कहना चाह रहा था कि भाई अगर वहाँ जाओ तो गाइड पहले से बुक करो सब कुछ, उसके बिना उससे पहले मत जाओ भाई। देहरादून से बुक होते हैं, मौरी से भी होते हैं मेरे ख्याल से, पर पता नहीं हो गए तो पता नहीं। तो भाई यही था हम लोग का बहुत लंबा कटा था इस बार, तो वही हम लोग परेशान हो गए यार। लेकिन यार मैं फिर भी मैं बताऊँ केदारकंठा मत ही जाओ, बहुत ही बेकार जगह है, सही में एक्सपीरियंस बिल्कुल बेकार रहा वहाँ का। देख सुन लो भाई, एक तो लोग ढंग से बात ही नहीं करते, पैसे दे रहे तब भी पैसे अकड़ दिखा रहे हैं, अकड़ दिखा रहे हैं वहाँ। चलो कोई नहीं, अभी आपके दिन है। दूसरी ट्रैकिंग आप अगर ट्रैकिंग का मन करे ना तो दूसरी ट्रैकिंग पे चले जाओ, जैसे खीर गंगा ट्रैक होगी कसौल, खीर गंगा बेस्ट है भाई, खीर गंगा में जाओ, ये तो बेकार है। और भाई ऊपर जो मतलब जो ट्रैकिंग करके आ रहे थे ना ऊपर से लोग, मतलब आदमी बच्चे बच्चे जो भी थे, तो हमने उनसे पूछा कि भाई कैसा वो है वहाँ का एक्सपीरियंस, क्या है कैसे, बोल रहे थे भाई जैसा मनाली में है अपने स्नोफॉल हो रही है बढ़िया, टेंट में रुको, मनाली कसौल का है वो ही है सेम, कोई फायदा नहीं है। और अगर आप यहाँ से बुक करके आते हैं तो कम से कम 7,500 का पड़ेगा आपको पैकेज, पैसे इतने इतने ले रहे हैं लेकिन उस हिसाब से फैसिलिटीज नहीं है वहाँ पे। तो मैं यही बोल रहा था भाई ना ही जाओ वहाँ तो ही सही है, अगर आप भैया मोटा पैसा है आप कंधा तो आप जाओ मौज लो रोज लो, क्यों आगे क्यों तो हाँ। तो बस यही था, फिर कल हम लोग वापस मसूरी आ गए थे, सुबह सुबह निकले थे हम तो, रात को निकल गए थे भाई, पहाड़ का रास्ता इसने चलाई है रात में भाई, कितनी गाड़ी ठुकी है ना नीचे से बूम 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 बूम, एक बार तो भाई गाड़ी स्लिप होती होती बच गई, मतलब पहाड़ के नीचे जा रहे थे हम लोग और भाई गाड़ी स्लिप होती, मतलब खाई में गिर जाती गाड़ी। ये देखो तो वही मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर जाओ तो अपने व्हीकल से तो बिल्कुल मत जाओ ऐसी जगह, ऐसी ट्रैकिंग वाली जगह बिल्कुल मत जाओ, किराए की टैक्सी कर लो भैया, बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की, गाड़ी भी चुक जाती है और हम भी।